फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चे, कल हमने चैप्टर नंबर 13 को किया था, उसकी व्याख्या की थी। बच्चे, आज हम उससे रिलेटेड प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों के सामान्य वाक्य में बदलिए। एक दिन का आंख में मेरी पड़ा, यानी कि जैसे इसमें लिखा हुआ है कि सामान्य वाक्य में बदलना है। पहले तो पाठ नंबर 13 डाल लीजिए। पाठ नंबर 13 का नाम है एक दिन का। इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। क्वेश्चन देखिए बेटे, पहला क्वेश्चन आपके सामने रीड कर रही हूँ कि नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। आपके सामने कविता की पंक्तियाँ दी हुई हैं, उनको आपको सरल वाक्य में यानी कि सीधे वाक्य में लिखना है। जैसे आपको दिया हुआ एग्जाम्पल कि एक दिन का आँख में मेरी पड़ा, तो इसको सरल वाक्य बन जाएगा कि मेरी आँख में एक दिन का पड़ा। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, लोग कपड़े की मूठ देने लगे। तो इसमें हमसे प्रश्न वन का क भाग पूछा हुआ है कि एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। देखिए, एक दिन देखिए बच्चे, उत्तर उत्तर लिख रही हूँ मैं आपको यहाँ पर। उत्तर का के पार्ट एक दिन, सॉरी जब रह गया इसमें, जब एक दिन मुंडेरे पर खड़ा था, मुंडेरे पर खड़ा था। ये उत्तर नंबर वन, आंसर नंबर वन का कै भाग है और उसका सरल वाक्य कविता की पंक्ति थी कि एक दिन जब मुंडेरे पर वह खड़ा। तो ये था, इसका सरल वाक्य बना रहे हैं। खे भाग का सरल वाक्य देखिए क्या बनेगा। खे भाग आपके सामने रीड करती हूँ। लाल होकर आँख भी दुखने लगी, तो लिखिए लाल होने पर लाल होकर आँख भी दुखने लगी, आँख लाल होकर दुखने लगी। ठीक है, फिर है गै भाग कहते हैं ऐंट बेचारी दबे पांव भागी। ऐंट बेचारी दबे पांव भागी, बेचारी ऐंट दबे पांव भाग गई। घै पाठ है जब किसी ढब से निकल तिनका गया, जब किसी ढब से तिनका निकल गया। ये इसका कविता की पंक्तियों को हमने सरल वाक्य में बदल दिया है। अब सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आता है कि एक दिन का कविता में क
किस घटना की चर्चा हुई है जिससे घमंड न करने का संदेश मिलता है। तो देखिए बेटा, इसके अंदर बहुत अच्छी बात आपके सामने रखी गई है। क्या उत्तर नंबर दो, कि किस घटना से, ऐसी क्या घटना हो गई? तो लिखिए, सेम सेम आंसर आएंगे इन सभी के। आंख में तिनका जाने पर, कहते कि आंख में तिनका, कौन सी घटना आंख में तिनका जाने पर सभी लोग उसकी मदद करने, हाँ एक मिनट, हाँ जी बच्चे लिखिए, आंख में तिनका आ जाने पर, तिनका जाने पर सभी लोग उसकी मदद करने करने आते हैं, क्योंकि वह अपने छत के किनारे चोर खड़ा था। जब इनका आंख में गया तो उसकी दर्द करने लगी है। लाल हो गई, लोग घटना से, इस घटना से उसका घर टूट गया। इसलिए हमें नहीं करना चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ है बुक, एक मिनट बुक ले लूँ मैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड क्वेश्चन, आँख में तिनका जाने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? लिखिए उत्तर नंबर तीन, घमंडी की क्या दशा हुई थी? आँख में तिनका जाने पर उसकी आँख लाल होकर दुखने
लगी थी। फिर और उसका घमंड क्या हो गया था? चूर हो गया था। तो उसका घमंड भी खत्म हो गया था, खत्म हो गया था। फोर्थ क्वेश्चन बच्चे आपके सामने है। घमंडे की आग से तिनका निकालने के लिए आसपास उसके आसपास के लोगों ने क्या किया? तो लिखिए आंसर, घमंडी की आग से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोग कपड़े की मूठ देने लगे। ठीक है बेटा, अब आता है फिफ्थ क्वेश्चन है, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, इस प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है। तिनका कभू ने नहीं दिए पाँव तले जो होए, कभू उड़ी आँखें परे वीर घनेरी होए। इन दोनों पंक्तियों में क्या समानता है और क्या अंतर है? तो लिखिए बच्चे, इसके अंदर समानता इन पंक्तियों में समानता है कि मनुष्य को एक छोटा सा तिनका भी दर्द पहुंचा सकता है। हमें घमंड नहीं करना चाहिए। कबीरदास जी ने असमानता बताई है। कबीरदास जी ने भी यही बात कही है कि हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, तुच्छ नहीं समझना चाहिए। जब घास जैसी छोटी
जब घास जैसी छोटी चीज मनुष्य को पीड़ा दे सकती है तो घमंड का क्या लाभ है। अर्थात कहने का भाव यह है कि हमें सभी को समभाव दृष्टि से देखना चाहिए। ये आपका यहाँ पर चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मैंने कल आपको लिखवाए थे, आंसर आपको खुद बनाने थे। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, सेव लाइफ।